उत्तर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद आज शाहजहांपुर पहुंचे। यहां उन्होंने शाहजहांपुर जिले को 130 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़कों की सौगात दी। उन्होंने इस दौरान कहा कि योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश बन गया है। पूरे देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में है। भारत के सभी प्रदेशों में से सबसे ज्यादा 13 एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में ही है, जिसमें से 6 एक्सप्रेसवे चालू भी हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि 560 करोड़ की लागत से बनने वाला गंगा एक्सप्रेसवे भी शाहजहांपुर से ही होकर गुजरेगा। यूपी के पीडब्ल्यूडी मंत्री ने कहा कि सिर्फ एक्सप्रेसवे ही नहीं, गांव को जोड़ने वाली सड़कों को भी सरकार प्राथमिकता से बनवा रही है। वो उम्मीद पूरी होने जा रही है जी। सपा के अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि बीजेपी एक बहुत बेहतर इवेंट मैनेजर है, तो क्या और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को भी उन्होंने एक इवेंट कहा है, कहा कि ये बस जब तक चल रहा है तब तक तो इसकी चर्चा है, लेकिन उसके बाद इसका कोई 2012 में उनको भी मौका मिला था, प्रदेश में जंगल राज हो गया। उनसे जब पूछ लिया जाए कि कम से कम आखिरकार उन्हें तो पूरी जनता ने 224 का एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दी थी, तो 47 पे क्यों सिमट गए, उनसे पूछना चाहिए। विकास में सबसे बड़ा माने रखती है सरकार, किस तरीके से तैयार इसको लेना नहीं, आप देख सकते हैं कि जहां तक सड़कों का सवाल है, उत्तर प्रदेश माने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और निर्देशन में अब उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश बन गया है। 13 एक्सप्रेसवेज उत्तर प्रदेश में, अगर भारत में कोई प्रदेश है तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवेज हैं, जिसमें 6 चालू हो चुके हैं। एक गंगा एक्सप्रेसवे हमारे यहाँ ही से 560 करोड़ का यहाँ से गुजरेगा, उसके बिड हो चुकी है, काम उसमें प्रगति पे है। तो सड़कों का जाल सिर्फ एक्सप्रेसवेज नहीं।